मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। अभी जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे आपको बताया था कि जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या कनाडा वर्क परमिट के लिए कितने पैसे चाहिए अप्लाई करने के लिए, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है उसके ऊपर क्या वीज़ा इजीली मिल जाता है, या स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाए तो वो वीज़ा मिल ही जाता है, और कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कौन वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं इस पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है अगर वो आपको मिल जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है या कोई भी टूरिस्ट वीज़ा है, कोई भी वीज़ा किसी भी कंट्री का, वो आपकी प्रोफाइल को देख के लगता है, वो इससे नहीं, इससे कोई ज़्यादा मैंने नहीं रखता कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है। स्पॉन्सरशिप लेटर आपकी फाइल में 10% रोल प्ले करती है, बस ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। आप canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि स्पॉन्सरशिप लेटर इज़ नॉट ए गारंटी ऑफ वीज़ा। स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप बड़े ध्यान से इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, एक प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। पर उसके साथ साथ आपने अपनी प्रोफाइल को भी बिल्ड करना, अपनी अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना, आपने अपने फाइनेंशियल बहुत अच्छे से अपने फाइल में लगाने हैं ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर आ गई है तो वो सोचते हैं कि उनको वीज़ा मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके कारण वो थोड़ा अनसीरियस हो जाते हैं, वो और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं मेंटेन करते और अपनी ITR को नहीं ध्यान देते, और भी जो चीज़ें हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना, आपने प्रोफाइल पे ऊपर 100% डिवोशन देनी है, उसको 100% उसके ऊपर वर्क करना, उसके फिर भी उसके साथ आप अपनी स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच करिए और फिर आप अपनी फाइल बनाकर सबमिट करिए, तो आपको फिर 100% वीज़ा मिलेगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर के बेस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं कि अब लोग कहेंगे कि फिर फ़ायदा क्या है स्पॉन्सरशिप लेटर का। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेटर का क्या फ़ायदा है और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है तो वीज़ा ऑफिसर को पता है कि आपकी गारंटी लेने वाला कोई वहाँ पे कनाडा में है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो आपकी गारंटी ले रहा है कि ये यहाँ आएगा, मैं इसका ध्यान रखूँगा और ये अब और तय वक्त पे ये वापस चले जाएगा। जो इसने प्रॉमिस किया है कि मैं इतने दिन के लिए यहाँ घूमने आया तो वो वापस चले जाएगा उसके बाद। तो इसके बीच में वो स्पॉन्सर आपको ये भी लिख के देगा कि इसका रहने का और खाने का खर्चा मैं करूँगा, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक भी है, अगर आपके पास थोड़े कम पैसे भी है तो वो भी चल जाएंगे। अगर आपको जैसे 6 लाख रुपये चाहिए तो 4 लाख में भी आपका काम चल सकता है। ये फ़ायदा है स्पॉन्सरशिप। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसमें मतलब ध्यान ना दें कि अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने फाइनेंशियल के ऊपर और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर आप मतलब लेके तो आप चले जाइए तो आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा। तो ये एक फ़ायदा है कि आपके पास एक गारंटी होती है कि वहाँ पे एक आदमी है, वो मेरा ध्यान रखेगा और वो आपका टेक केयर करेगा वहाँ पे। अगर आपको कल को आपके रहने के लिए वो अरेंज करेगा, आपका खाना वगैरह वो अरेंज करेगा, तो वो सब आप वो स्पॉन्सरशिप लेटर में लिख के देगा, तो ये एक गारंटी हो जाती है वीज़ा ऑफिसर के लिए। इससे ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी प्रोफाइल तो चेक होगी ही होगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि मतलब स्पॉन्सरशिप कौन कौन दे सकता है, आपको स्पॉन्सरशिप कौन भेज सकता है। तो इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कनाडा का PR या जो भी सिटीजन है वो किसी को भी स्पॉन्सरशिप भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके रिलेशन हो तभी भेज सकते हैं, आपके फ्रेंड भी भेज सकते हैं, आपको कोई भी बंदा जानता है वो आपको स्पॉन्सरशिप भेज सकता है। तो वो कई लोग होते हैं, कई एजेंट कहते हैं ये नहीं 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 ये नहीं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है।
तो आपको कोई भी आदमी जो कनाडा का पीआर है या सिटीजन है आपको स्पॉन्सरशिप भेज सकता है, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, आपका भाई हो, आपके मतलब पड़ोसी हो, आपके टीचर हो, आपका कोई भी जो आपको कोई भी एक्स वाई जेड बंदा अगर वहाँ का मतलब पीआर है या सिटीजन है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है। अब इसके अलावा जो है जो लोग वहाँ स्टडी वीज़ा पे गए हुए हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं वो भी अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे अपने ब्लड रिलेशन को, अपने भाई को, बहन को, अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको आपके मन में जो सवाल है स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में वो भी आपको उसके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आपको कि अगर आप अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे ऑफिस आके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट पहले आप प्रिपेयर करके आप मेरे मतलब हम अप्लाई कर देंगे आपके लिए। तो इसके अलावा जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और इसके बाद जो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें बेल आइकॉन आएगा, तो आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।